हमारी गवर्नमेंट के जो फंडे थे अच्छे थे और आईडीबीआई बैंक के जरिए 4 दिन का हड़ताल किया जा रहा है और इस मसले पर हम बातचीत करते हैं सर। जिस तरीके से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के द्वारा 4 दिन का यह हड़ताल है और सारे कर्मचारी यहां पे मौजूद हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहां पर आए हैं? बेसिकली मैं आईडीबीआई का कर्मचारी नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ, राजेंद्र गौतम मेरा नाम है। मुझे आईडीबीआई के कुछ अधिकारी आए थे मेरे पास, उनके बुलावे पे मैं आया था और मैं इनकी इस डिमांड का समर्थन करता हूं कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जो बड़े लेवल के जो लोन्स होते हैं जो हजारों करोड़ में, वो बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से दिए जाते हैं और एक कोलेटरल सिक्योरिटी जो लेनी चाहिए अगर वो नहीं है और उतना बड़ा लोन मारा जा रहा है तो ये बिना मिलीभगत के संभव नहीं है, जिसमें छोटे लेवल के कर्मचारी अधिकारी किसी भी हालत में शामिल नहीं हो सकते। इसमें बड़े लेवल के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं जिन पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए और किसी भी हालत में बड़े उद्योगपतियों को इस तरह का बेल आउट पैकेज नहीं मिलना चाहिए या सरकार के जनता के पैसे को मारने का हक नहीं है किसी को भी। वो लोग जेल के पीछे होने चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए और इस पैसे की रिकवरी जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिस तरह सरकारें बचा देती हैं, ये भी एक तरह की उसी की प्रक्रिया है बैंक को प्राइवेटाइज करने की। मैं समझता हूँ हम इसके पक्ष में नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। आप इन लोगों का समर्थन दे? मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि बैंक प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अधिकारी बड़े लेवल के जिनके वजह से बैंकों का पैसा डूबता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन कंपनियों से को जब लोन दिया जाता है उसमें पहले देखना चाहिए कि क्या उनकी वर्थ इतनी है या नहीं है। बिना वर्थ क्या कर दिया जा रहा है मिली वगत से, तो उसमें जो लोग शामिल है वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए ताकि आने वाले बाकी अधिकारियों को डर पैदा हो और वो इस तरह के किसी घोटाले में शामिल ना हो सके। आप किस तरीके से इन लोगों की मदद करें कि आप इनकी आवाज को फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे? नहीं, इनकी आवाज को तो हम नेचुरली ये लोग यहाँ से पहुंचा रहे हैं और विधान, चूंकि ये सेंटर का मुद्दा है दिल्ली सरकार का तो नहीं है, तो दिल्ली सरकार उसमें ज्यादा रोल हमारा नहीं है, लेकिन हम अपने सरकार अपनी तरफ से जरूर इनका समर्थन कर सकते हैं और हम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन कोई हल नहीं है, जिस पर्पज के लिए ये बैंक बना प्राइवेटाइज करने से शायद वो पर्पज ही डायलूट हो जाएगा, इसलिए हम इसके समर्थन में नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से एमएलए, इनका कहना था कि वो इस आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और जितना हो सकेगा वो इनका वो इन लोगों की मदद करेंगे। मैं जॉय किसी कैमरा पर्सन के साथ ऑल ओवर इंडिया से आईडीबीआई के कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन 4 दिन तक चलेगा। आइए हम मसले पर बातचीत करते हैं। जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आईडीबीआई के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है, किन किन मांगों को लेकर यहाँ? हमारी एक ही मांग है कि हमारा राष्ट्रीयकरण जो कि हुआ था देश के विकास के लिए, आप रिवर्स, ऐसा कितना विकास हो गया देश का कि आप इस काम को रिवर्स मोड में कर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा यह है। और हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ रहे और हमें नहीं रोका जाए। सरकार हम शेयर होल्डिंग 51% से कम ना हो, ये हमारी एक ही डिमांड है और ये सम फर्म है इसके ऊपर बिल्कुल। इसको लेके आपके फाइनेंस मिनिस्टर से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मेंबर से आपकी बातचीत हुई है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई, जेटली साहब से भी हमारी बात हुई है और जेटली साहब ने हमको अभी बोला है देखेंगे, देखते हैं, करते हैं, लेकिन हमको श्योर नहीं हो कि वो करेंगे, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे आए हैं उस पर। और ये इंडेफिनेट स्ट्राइक भी कन्वर्ट हो सकती है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो। मैं देश का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि देश के पहले, देश का जितने भी बैंक है हमारे कंट्री में SBI से लेकर बैंक ऑफ इंडिया तक, जितने भी आप बैंकों को जानते हैं राष्ट्रीयकृत, वो इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रीयकृत किया। हम लोगों को डायरेक्ट सरकार ने बनाया था, हम लोग डायरेक्ट सरकार द्वारा बनाए गए पूर्णतया राष्ट्रीय बैंक थे। हम लोगों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किए गए और आज हमें ये हाशिए पर छोड़ रहे हैं। हम 7वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है भारत का, हमसे बड़ा एनपीए स्ट्रक्चर कई बैंकों का है। संसद ने हमको दोनों पटलों में एश्योर किया था, एश्योरेंस दिया था हमको संसद ने कि हम आपको कभी राष्ट्रीयकृत नहीं, राष्ट्रीय 51% से स्टेक आपका कभी कम नहीं करेंगे। लेकिन आज मोदी जी जो कि संसद की इतनी इज्जत करते हैं, जिसको चूम के वो संसद के अंदर जाते हैं, वो विकास का कोई भी मुद्दा क्या देश में खत्म हो गया है कि एक बैंक को ही आप बेचने चल दिए हैं? चाइनीज कंपनी को बेचा जा रहा है ये बैंक। तानाशाही नहीं चलेगी उनकी, उनको नहीं। तानाशाही का और ये एक तरीके से इनऑर्गेनिक है, मेक इन इंडिया का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है उनको फॉरेन कंपनीज को बेच दो और बोलो मेक इन इंडिया हो रहा है। ये मेक इन इंडिया नहीं है,
ये इनऑर्गेनिक तरीका है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। इस मंच पर आम आदमी पार्टी के एमएलए भी है, क्या लगता है कि वो उनका कोई सहयोग मिल रहा है? हमें काफी लोगों का सहयोग मिल रहा है, इनफैक्ट बीजेपी के अंदर के भी मेंबर का हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम ये बात रखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है। मैं एक चीज पर ध्यान खींचना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये एनडीए गवर्नमेंट की अभी तक की ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप जेएनयू के मुद्दों में उलझे हुई है पूरी मीडिया, हमने बरखा दत्त से लेकर रवीश कुमार तक सबको एक एक हजार, हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग रह चुके हैं। मेरी शिकायत है मीडिया से कि हमारा घेर कर रेप हो रहा है और हमारा मतलब अपनी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ये स्ट्राइक इन्फिनिट भी जा सकती है, अनिश्चितकालीन के लिए भी जा सकती है। और इससे लेकर उन्होंने जेटली से भी और कई लोगों से भी बातचीत की, हालांकि अब तक आश्वासन मिला है, लेकिन कब तक इनके मांगों पर ध्यान दिया जाता है ये तो देखना ही होगा।